चिकित्सा शिविर में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि राजस्थान एक ऐसा राज्य हो देश के अंदर जहाँ पर बीमारी नहीं होने की स्थिति बढ़ जाए, प्रिवेंशन पहले हो जाए। अलग विभाग होता इसका मेडिकल कॉलेज के अंदर, अलग विभाग होता उसका कोई महत्व नहीं था, हमने उस विभाग का महत्व बढ़ा दिया, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जिससे कि उसका काम ही होगा कि वो राजस्थान के पीएससी सीएससी सब सेंटर तक पहुंचे, ट्रेनिंग दे वहाँ पर, जिसे वो गांव वालों को जाके संपर्क कर सके, गांव गांव घर घर में जाके वो जांच कर सके और स्कूलों में जांच कर सके। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान इस मामले में आगे बढ़े। अब लिखा हुआ है जिंदगी चुने नशा नहीं, शराब मादक पदार्थ तंबाकू, अब आपके यहाँ खेती होती है ओपीएम की, वो आपके लिए थोड़ी है कोई, वो उसकी दवाएं बनती है उसके लिए है, इसलिए आपको पटे दिए गए आपको। अब चोरी छिपे कोई उसको ओपीएम के रूप में काम लेते हैं तस्करी से, उसे जीवन बर्बाद हो रहे लोगों के, पंजाब बर्बाद हो रहा है, राजस्थान बर्बाद हो रहा है, उससे कई इसमें और पता नहीं क्या क्या नाम है, सब दवाएं बन जाती उससे। और तो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, आपको दुख होगा जान के वो बच्चे लेने लग जाते हैं छात्र जीवन के अंदर, बाद में उसके बगैर काम चलता ही नहीं है, तो पैसे होते नहीं घर में, तो फिर वही बच्चे चोरी है डकैती है करना, मारपीट करना, खून खराबा करना करते हैं। आप बताइए देश कहाँ जाएगा? ये तमाम माफियों में रोक लगेगी, सरकार लगाएगी माफियों में रोक लगाएगी। राजस्थान भर में जो माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, बजरी माफिया हो, माफिया 15 तरह के हैं राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर। सरकार ने तय किया है उन माफियों पर अटैक करो, पूरी तरह से उन पर उनके गैंगों पे अटैक करो, इतने जैसी करो जिससे कि लोग चैन की नींद सो सके। ये माफिया लोग निर्दोष लोगों को तंग करते हैं गांव के अंदर में, रोक लगनी चाहिए जिससे कि हर परिवार चैन की नींद सो सके। तो ये स्थिति है, स्वच्छता रखें और जीवन शैली अपना जीवन स्वस्थ बनाएं। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जीका ये मौसमी बीमारियां हैं, इससे बचने के प्रयास हो सकते हैं, हम आपको बताएंगे। स्वाइन फ्लू बुजुर्गों के लिए अलग से ही अलग तरह की दवाई होती है, उनके लिए अलग तरह की सेवा करनी पड़ती है, डॉक्टरों को अलग तरह से इलाज करना पड़ता है, उसका अलग विभाग होता है, कोई ध्यान देता नहीं उसके ऊपर। तो बुजुर्गों के लिए जेरियाट्रिक वार्ड होते हैं, उनको और मजबूत करेंगे जिससे कि ओल्ड एज होम में भी मदद हो सके और अस्पताल के अंदर भी उनकी सेवा हो सके, क्योंकि उनकी बीमारी हड्डी कमजोर हो जाती है बुढ़ापे के अंदर, भूलने की आदत बन जाती है, भूल जाता आदमी बुढ़ापे के अंदर। काला पानी ग्लूकोमा जो आज यहाँ आपके ऑपरेशन होंगे इस कैंप के अंदर, कैचेस के ऑपरेशन होंगे आपके, आई के जोड़ों की सूजन, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, तो बुढ़ापे की बीमारियों के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए सरकार ने तय किया है। महिलाओं के लिए अलग, उनके कैंसर हो जाते हैं, स्तन कैंसर हो जाते हैं, बच्चा हो सकता है, बच्चे जाने में कैंसर हो जाते हैं, कई बातें इसमें लिखी हुई है जो मैं चाहूंगा गांव गांव में घर घर में ये बातें पहुंचे। आपको मैं बातें इसलिए कह रहा हूं, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के लोग समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। खाली जनता के अधिकार नहीं होते हैं, जनता के संविधान के अंतर्गत भी जनता के अधिकार भी दिए हुए हैं और जनता के दायित्व भी है, उनका निर्वहन भी हमें करना है, तब जाकर के हम लोग ये कर सकेंगे कैसे हम जनता की भलाई करें। आप समझ गए कोई बात को, पड़ोसी को समझो आप लोग क्या करना आपको। किशोरी स्वास्थ्य अलग है, परिवार नियोजन छोटा परिवार सुखी परिवार, आजकल तो लोग समझ भी गए हैं
पहले वाली बात दे रही है। सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु पैदा हो, पूरा चार्ज दिया गया। कब क्या जाके दिखाना डॉक्टर को, प्रेग्नेंट औरत होते ही, यदि गर्भ धारण करती औरत, और कैसे उसको टाइम पे सब कुछ इलाज शुरू हो जाए। अस्पताल में पूरी ट्रैकिंग होती है सरकार की तरफ से। अब तो आईटी आ गया है, जयपुर बैठे ट्रैकिंग हो जाएगी, चित्तौड़ के निमाड़े किस गांव में किस औरत के गर्भ धारण करने बाद में क्या क्या टीकाकरण हो रहा है, क्या इलाज हो रहा है, कौन देखभाल कर रहा है, मालूम पड़ जाएगा। खून की कमी शरीर के अंदर, लीवर का अपना उपयोग है, इसीलिए मैंने अब शराबबंदी कर नहीं पा रहे हम लोग, चाहते हुए भी शराबबंदी पहले की थी, वो फेल हो गई एक बार राजस्थान के अंदर। गुजरात में भी गया था, गुजरात में भी शराबबंदी नाम की है, घर घर में लोग शराब पीते हैं, होम डिलीवरी है, आजादी कह रहे हैं। हमने प्रयास किया है कम से कम हाईवे पे दुकान नहीं खोले, गांव में दुकानें 8 बजे बंद हो जाए, इससे फर्क पड़ता है। वरना शराब पी के रात को 12 बजे घर में घुसता आदमी, अपनी बीबी बच्चों को तंग करता है, बेटे को मारपीट करता है, दरवाजा खोलते ही गाली गलौज करने लग जाता है। अब 8 बजे के पी के चला जाए घर पे, कम से कम शांति रहे घर पे, तकलीफ तो नहीं हो। अब वो भी क्या करते हैं, कई बार मिली भगत से 8 बजे के बजाय पीछे से दुकान पिछवाड़े से लग जाता है। ये लीवर को खराब करती है, सिरोसिस हो जाती है, जान चली जाती है। जान क्यों कमाए हम लोग, सोचना पड़ेगा आपको। पीने के तरीके भी होते हैं, कई जो पैसे वाले होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो ही पीते हैं, तो वो पीते अलग तरह की शराब पीते हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक क्वांटिटी में पीते हैं, थोड़ी पीते हैं, वो कहते हैं इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो तो वो जाने हम तो इसके खिलाफ हैं, परंतु वो पीते हैं, थोड़ी पीते हैं। एक मेरे घर गजर भी हुई आई थी, थोड़ी थोड़ी पीने वाले को आई थी गजर, कौन किसकी थी वो, दूसरी थी, उसकी थी दूसरी थी यार, हाँ पंकज उदास की, मेरे ख्याल उसी की होगी, मेरे ख्याल से किसी की थी, मुझे पता नहीं, थोड़ी थोड़ी पीनी से याद मेरे को लिखा था। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे निरोगी राजस्थान में आएगा, शराब छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा, शराब छोड़ दो, पीना नहीं चाहिए, शराब नुकसानदायक है। सिगरेट आजकल, सिगरेट हुक्का बार, अब कल्पना करो शहरों के बच्चे जो है ना, बच्चे बच्ची हैं, होटलों के ऊपर हुक्का बार लगा हुआ, हुक्के पड़े लंबे चौड़े, नशे पते वाले हुक्का पी रहे हैं बड़े शौक से, और महसूस करते हम बड़े बड़ी सोसाइटी के लोग हैं। सिगरेट मैं तो समझता नहीं हूँ, ई सिगरेट आ गई, ई सिगरेट वो कैसे लगती है, बैटरी से बैठी है उसमें, बैटरी से बताइए आप, सिगरेट की तरह बैटरी, सिगरेट है बैटरी चलती उसके अंदर, और अंदर अंदर वो धुआं जाता है, निकोटिन जो नशे पत्ते वाली बातें टक जाती है, आनंद लेते लोग, उनको हमने बंद कर दिया राजस्थान के अंदर, बंद किया उसको हमने। ताली बजाओ जोर से, ताली बजाओ, ताली जोरदार बननी चाहिए और जोर से। तो ये बताइए मुझे आप, स्वस्थ लीवर जिगर जिसको कहते हैं, आपके बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी शरीर का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसे ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार समझें और इसका संपूर्ण सम्मान करें। इसलिए है कि मेरे पास समय नहीं है कि हम सब ने ठाना है स्वस्थ जिगर पाना है। इसका जो बताया गया लीवर के, मैंने अभी वो कॉन्फ्रेंस थी जयपुर में, मिस्टर सलीम माननीय डॉक्टर देश के लीवर के, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, आप आश्चर्य करोगे कि लीवर जो है उसका जिंदगी में क्या महत्व तो है, कोई सोच नहीं सकता। मैं लीवर हूँ, मुझे जाने,
लीवर न केवल शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने में भी इसकी भूमिका अहम भूमिका है। ये सुचारू पाचन तंत्र संक्रमण से लड़ने, रक्त संक्रमण मतलब शुगर को नियंत्रित रखने, शरीर से विषैले पदार्थों को निस्तारित करने, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करने जो हड्डी बीमारी करता है, प्रोटीन निर्माण पित्त उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रदूषित खान पान, लापरवाह जीवन शैली, शराब और तंबाकू उत्पादों का सेवन, नियमित व्यायाम की कमी लीवर खराब होने के जोखिम को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। ऐसे में लीवर को स्वस्थ रखने पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लीवर खराब होने की स्थिति में बचाव ही एकमात्र विकल्प है। बाकी बीमारियां तो ठीक हो सकती है, लीवर खराब हो गया जो ज्यादा दारू पीने से होता घर में बात यह है, ज्यादा दारू पीने से होता है और तो कारण पता ही बताया इन्होंने। लीवर खराब हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका बचाव भी इसका इलाज है, वो खराब हो ही नहीं, इतना मजबूत होता वो। अब आजकल लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, किसी का लीवर का टुकड़ा काटो उस पर लगाओ, वो 15-20-25 लाख तो लगते हैं उस पर पैसे। परिवार वाले घर में बात देते नहीं हैं, बहाना कर लेते हैं परिवार वाले, किसी का मिलता नहीं है। लंबी छोड़ी बात है, मेरा इंटरेस्ट है स्वास्थ्य सेवा में, इसलिए मैं इतनी लंबी छोड़ी बातें आपसे कर रहा हूँ। अब मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ, अब आपको मुझे ये कहना है इस हमारे अभियान को जो सरकार का अभियान है, प्रदेशवासियों का अभियान है, उन तमाम आप लोग भागीदारी निभाएं। नौजवानों को चाहिए वो आगे आए, अपना नाम लिखा है CMHO का यहाँ पर, हम खुद गांव में जाके काम करेंगे इस काम को। तो मैं चाहूँगा ये मोमेंट बने राजस्थान के अंदर निरोगी राजस्थान, ये मेरी इच्छा है। और ये भ्रमण इकाई बहुत शानदार है, ये जो आप जिसमें बैठे हुए हो ये बहुत शानदार है, ये करीब 40-50 साल पहले बनी है। ये राजस्थान के अंदर CPDOC जी मालूम होगा, मोहन चाने के वक्त बनी है, बाद में बनी, पर 40 साल ज़्यादा से व्यर्थ हो गया। ये इतनी शानदार इकाई है सरकार की, इसकी मांग के जगह बढ़ती रहती है और सारे इलाज इसके अंदर यही ऑपरेशन हो जाते हैं। इन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है कि इसमें क्या क्या कमियाँ इनके हैं। मैं इकाई के निदेशक जिन्होंने मुझे लिख के दिया है अति आवश्यक व्यवस्था सुधारने बाबत, आप निश्चिंत रहो, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ, किनको, कि भ्रमणशील इकाई के अधिकारियों को, निदेशक को, आप निश्चिंत रहो, आपने जो मांगे की है, एक्सरे और सोनोग्राफ पता नहीं क्या क्या लिखा आपने, विशेषज्ञ की भर्ती, ये तो करेंगे करेंगे, विशेषज्ञ नाक गान कला, स्त्री रोग, शरीर रोग, नेत्र रोग, पैथोलॉजिस्ट। इसके अलावा भी मैं चाहूँगा 50 साल अलग में होना आया इसको, 50 साल जब उसको होवे तो ये इकाई अपना आप में अपना बड़ा प्रोग्राम सेलिब्रेट करें, हम सरकार के साथ खड़ी मिलेगी और इस सरकार के स्वास्थ्य विभाग का ही उसकी इकाई है, सरकार की इकाई है ये, इसका अलग प्रोग्राम होगा और ज़्यादा कैसे इस पर फैलाव कर सके हम लोग, क्या एक इकाई से काम चलेगा या और इकाई बनाएं, तमाम इस पर विस्तरण होगा। आने वाले वक्त में मोबाइल जो यूनिट है सरकार की, इसको मजबूत किया जाएगा, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ। अब आखिर में ये जो हमारे मंत्री महोदय ने कई बातें कह दी है, ये काम करवाना जानते हैं, पटाना जानते हैं, ये पढ़ाना जानते हैं, ये बोलते ऐसे प्यारे हैं, बोलते बोलते प्यार करते करते ये अपने बातें रख देते हैं। जो भी आपने मांगे रखी है मेरे सामने, पहले मैंने मना नहीं किया आपको, जो कहा वो किया है, बता दीजिए आप। अभी जो अभी फूड प्रोसेसिंग इकाई है, ये तो आपको एजुकेट करना गांव वालों को, फूड प्रोसेसिंग कैसे लगे, हमें जो करना था 10 हेक्टेयर जमीन कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको खेत में आप उसको फूड प्रोसेसिंग में काम ले सकते हो,
वही आप भंडारण कर सकते हो, वही आप उसका मशीन लगा सकते हो फूल पसने के लिए। काफी छूट दी और छूट देने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग, ये कड़ा सा बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग मतलब आधा काम तो पब्लिक खुद को करना पड़ता है, सरकार आपके साथ खड़ी मिलती है। तो इस प्रकार से जो आपने कहा है उसको मैंने कह दिया इनको कि आप मुझे जयपुर में आके बताइए, विवाह की बात तो आपको यहाँ करने होती है, आप मेरे मंत्री हो, वहाँ जाके बात करो। तो ये जो कुछ भी कहा है ये सब मेरे जहन में है। और मैं आज जो है पॉलिटिकल बारे में बहुत कम दिया, मैं बहुत ज़्यादा दिया करता हूँ आजकल, क्योंकि सरकार जो चल रही देश में उससे पूरे देश में भय का, अविश्वास का, हिंसा का माहौल है। चिंता करने वाली बात है। आप अगर पढ़ते हैं अखबार आर्टिकल पढ़ते होंगे आर्टिकल्स हिंदी इंग्लिश में, तो आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ खड़ा है आज, कोई सोच नहीं सकता। बहुत गुस्सा आता मुझे और दिल से गुस्सा आता है, मैं कोई गुस्सा पॉलिटिकल नहीं करता हूँ, दिल से गुस्सा आता है तो मैं बोलता हूँ। और इसलिए बोलता हूँ मुझे तीसरी बार आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तो मेरे लिए प्रायोरिटी ये है, मैं चाहे कड़वी बात लगे किसी को तभी वो बात मैं कहूँ जो देश के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, समाज के हित में हो, छत्तीसगढ़ कौम के हित में हो। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सीधे सुन रहे थे, निम्बा हेड़ा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहां पर निशुल्क चिकित्सा शिविर में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। 10 दिनों तक ये निशुल्क चिकित्सा शिविर यहां पर चलेगा और बीते कल भी लगभग 4,500 मरीजों का ओपीडी में उनकी जाँच की गई, इलाज किया गया और आज भी ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। सीपी जोशी और लालचंद कटारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इससे पहले आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, किस तरह से उन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान की यहां पर चर्चा की और इसके अलावा नशे से दूर रहने के लिए भी लोगों को यहां पर प्रोत्साहित किया। तो चलिए खबरों का सिलसिला आगे